ऐसा क्या हुआ कि निमरा अली को लोगों से माफ़ी मांगना पड़ी, आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के निशान को दबा दें ताकि आपसे कोई भी आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। निमरा अली जो कि हैं सोशल मीडिया वायरल गर्ल, जो कि एक छोटी सी क्लिप पर सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो गई। लोगों ने इन्हें क्यूट गर्ल के नाम से जानना शुरू कर दिया और उसके बाद इनके हज़ारों फैंस बन गए सोशल मीडिया पर और ये बेहद मशहूर हो गई। उसके बाद निमरा अली के बहुत सारे इंटरव्यूज़ आने लगे, उन्होंने जगह जगह न्यूज़ पोर्टल्स को जो है वो इंटरव्यूज़ दिए और अपनी क्यूटनेस से लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि निमरा अली को लोगों से माफ़ी मांगना पड़ी। दरअसल निमरा अली ने पिछले दिनों एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू दिया जिसमें न्यूज़ रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, जिस पर निमरा अली ने जवाब दिया मेरी फेवरेट एक्ट्रेस सजल अली है। न्यूज़ पोर्टल ने उनसे कहा कि सजल अली का आप कोई डायलॉग बोले, पर निमरा अली ने सजल अली का ये वाला डायलॉग उस वक्त सुनाया जिसकी वजह से वो मुसीबत में पड़ गई। काशी में तुलसी बोई सारी बकरियां चर गईं, काशी में तुलसी बोई सारी बकरियां चर गईं, गांधी नेहरू मातम मनाओ हिंदू की मैया मर गई। ये देखिए क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अब आप सुने, देखिए मैं पॉलिटिक्स में भी जा सकती हूँ। इस डायलॉग के बाद काफ़ी लोगों का कहना ये था कि निमरा अली ने हिंदू सेंटीमेंट्स को हर्ट किया है। कपिल देव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये लड़की जो है वो काफ़ी फन लविंग है लेकिन इसे ये नहीं पता कि पाकिस्तान में 5 मिलियन हिंदूज रहते हैं जिसको इन्होंने काफ़ी हर्ट किया इस डायलॉग ने और उन्हें